अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आगाली अकबर है, मैं मौलाली में रहता हूँ, मौलाली मलकाजगिरी में, कोहे मौलाली पहाड़ गुट्टा दरगाह, 232 एकड़ 232 एकड़ ज़मीन लैंड वक्फ की लैंड है, ये पूरी जो है सो अब तक बेच दिए। अभी एक रिसेंटली मौलाली स्टेप्स के पास, गुट्टे के स्टेप्स के पास ग्रीवयाट्स की ज़मीन है, उसके लिए मैं जो सो वक्फ में कंप्लेंट करा। नाम है उनका नवाजुद्दीन, उन्होंने दुबई में फ्रॉड करके आ गए मौलाली आके उन्होंने जो सो अपना ओन घर बेच के वफ लैंडों में पैसा इन्वेस्ट करके जो सो वफ लैंड सस्ते में लेके उसको ज़्यादा रेट से बाहर बेच दे रहे। ये सैयद नवाजुद्दीन जो है, इनके ताल्लुक से मलकाजगिरी पुलिस स्टेशन में 6 या 7 केसेस है, 324 ये वो केसेस, और इन 17 ईयर्स के बच्चों को एक 10-20 मेंबर्स को ले के गैंग मेंटेन करता। इन्हों एक्चुअली है असल इनका कास्ट सुन्नी, इन्हों जो सो कन्वर्ट होके शिया मज़हब में आके क्या है, शिया मज़हब में वक्फ बोर्ड के लैंड्स है तो वो फ़ायदा होता बोल के इसमें आके उन्हों ये वक्फ के ज़मीनों का कर रहे हैं। ये सर्वे नंबर 422 है, वक्फ में आता है, गजट में भी है, वक्फ में आता है ये 422, और जो सो अपने 860 गज कुछ लैंड है वो, उसको जो सो और उन्हों खैर आगे हट गए वो अलग मैटर है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में 800 चेंज है, 423 बोल के उन्होंने रजिस्ट्री करा रही लोगों से, लेकिन अगर वफ का लैंड है तो सर्वे नंबर 422 पे रजिस्ट्री नहीं होती, 423 पे रजिस्ट्री करा रहे हैं। अभी उन्होंने लिए कितना, 20-25 लैक्स में कुछ लिए, लेके जैसे उन्होंने 80 लैक्स में सेल कर दिए, लेकिन सेल कर दो कमा लो, कहीं बाहर जाके कमाओ, ये खबरस्तान की ग्रेवयार्ड आशुर खानों की ज़मीनों पर क्यों कर रहे हैं भाई? अब कोई मुद्दा नहीं उठाए बोले तो अब कोई भी नहीं हो रहा होगा, शिया नहीं होंगे कोई भी, अब मैं हूँ, मैं बराबर बोलता हूँ, शिया अखबारी हूँ मैं बराबर ये बात पे सवाल करता हूँ, कोई भी रोचा है किसका भी प्रेशर आओ मेरे को, मैं बराबर ये मुद्दे को लेके लड़ूंगा।